A Swella Braverman is speaking out yet again, and she says Islamists are now in charge of Britain. Yeah, this is the quite bold statement from Swella Braverman. I mean, they're not in charge of Britain. I think that's probably a bit... Swella ne abhi Telegraph akhbar mein ek article likha hai, jisme inhone kaha hai ki sachchai ye hai ki Islamist, extremist aur anti-Semites ne ab control sambhal liya hai England ka. ये बात मैंने आपसे कही थी, आपको दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की चोरी तक नहीं रुकेंगे. इन पे जो इल्ज़ाम है ना कि वोट चोर हैं, ये बात अब इससे आगे बढ़ गई है. ये जो आपकी आज़ादी की इतनी सी भी जो रमक है ना, ये लोग ये भी आपसे छीन लेंगे. कहूँगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें, खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें. कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें. इन्होंने हमारे बाय इलेक्शन को हाईजैक कर लिया और एक इस्लामिस्ट को नॉर्थ इंग्लैंड में लेके आए हैं. इन्होंने हमारे जुडिशरी, हमारे लीगल प्रोफेशन और यूनिवर्सिटीज तक को हाईजैक कर लिया है. लेकिन अवाम जाहिल नहीं है, अवाम को पता है, उनको मालूम है कि हकीकत क्या है. मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त इतना कंट्रोल्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता. ली एंडरसन एमपी ने जब ये कहा कि सादिक खान ने हमारे कैपिटल लंदन को इस्लामिस्टों के हवाले कर दिया है और अगर लेबर वापस आई तो आप ये समझिएगा कि हमारा शहर फिर हमारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा. दोस्तों, यूके के अंदर भारतीय मूल की जो सोहिला ब्रेवमैन है, जो कि अभी कुछ समय पहले यूके की जो होम मिनिस्टर है वो भी रह चुकी है, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक मीडिया को इंटरव्यू दिया और वहाँ पर यूके के अंदर जो मुस्लिम माइग्रेशन हुई है और जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, वो जो जिस प्रकार के काम करते हैं उसको लेकर उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं. अब इसी के ऊपर जो पाकिस्तानी मूल के जो आरिफ अजाकिया साहब है, जो कि लंदन के अंदर ही रहते हैं, वो अपनी इस वीडियो में कई सारी जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है ना इनको लेकर जो है ना बातें की हैं. तो हम भी वही देखने वाले हैं वीडियो में. तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आज के प्रोग्राम में इंग्लैंड, यूरोप और कुछ मिडिल ईस्ट के हवाले से चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा. अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और जूँ जूँ मई के इलेक्शन, जो मई के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं लंदन के मेयर के, उसके हवाले से काफ़ी तेज़ी आई है. लेकिन मामलात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइग्रेशंस का मसला है, जो मुस्लिम माइग्रेशंस का मसला है, उसने चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब कर दी हैं. इस सिलसिले में एक्सट्रीम राइट काफ़ी हद तक अब एक्टिव हो गया है, बमुकाबला लेबर और लेफ्ट के इकोसिस्टम जो कि मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट करते हैं. कंजर्वेटिव पार्टी जो कि 13 साल से यूके को रूल कर रही है, डेविड कैमरून, फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन और अब ऋषि, फिर लिज़ ट्रस आई थी कुछ दिनों के लिए और फिर ऋषि सुनक अब रूल कर रहे हैं. कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक क्लियर नहीं है अपने हिसाब किताब में. ऋषि सुनक ने जब इलेक्शन कैंपेन की थी तो उस वक्त ये कहा था कि हम इस मसले को हल करेंगे, एक्सट्रीमिज्म को हम जड़ से उखाड़ देंगे वगैरह वगैरह. लेकिन जब उनकी होम मिनिस्टर स्वेला ब्रेवरमैन ने मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की तो उनको ही जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया. और एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक अपीजमेंट को आगे बढ़ाएगी. स्वेला ब्रेवरमैन इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी में एक चैम्पियन की सूरत में सामने आई हैं और वो खुल के चीज़ों को बयान करती हैं. ऋषि सुनक जब अगले इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी में इनको शायद स्वेला ब्रेवरमैन को फेस करना बहुत ही मुश्किल काम होगा. अजीज़ दोस्तों, स्वेला ने अभी टेलीग्राफ अखबार में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और एंटीसेमाइट्स ने अब कंट्रोल संभाल लिया है इंग्लैंड का. इन्होंने लेबर पार्टी को बुली कर दिया है, इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बुली कर दिया है और अब हमारा कंट्री इनके सामने झुकता जा रहा है. स्वेला ने जब डिटेल में उनसे बात, उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि
वो कह रही हैं कि इन्होंने यहूदियों के साथ शुरू किया ये मामला, और ऊपर से हमारी जो हाई कमांड है उनकी तरफ से कुछ सख्त अल्फाज जवाब में आए सही, लेकिन मामलात खराब होते जा रहे हैं। इस्लामिस्ट और लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ने हमारी गलियों का कंट्रोल संभाल लिया है, पुलिस बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है। इन्होंने हमारे टीचर्स को कोर्ट्स में बुलाया, हमारे ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी लॉज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस हद तक थ्रेटन किया कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो पब्लिक लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा, और हम समझ सकते हैं कि उसका ये फैसला उसके लिए सही था। एक रेस्पेक्टेबल लॉर्ड ऑस्टिन ने जब टेररिज्म और इस्लामिज्म के बारे में बात की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उस काम से जिस काम को वो प्यार करते थे। इन्होंने हमारे बाई इलेक्शन को हाईजैक कर लिया और एक इस्लामिस्ट को नॉर्थ इंग्लैंड में लेके आए हैं। इन्होंने हमारे जुडिशरी, हमारे लीगल प्रोफेशन और यूनिवर्सिटीज तक को हाईजैक कर लिया है, और अब ये पार्लियामेंट को लेने के लिए आए हैं। और लेबर पार्टी के चीफ केयर स्टार्मर ने इनको अपीज करना शुरू कर दिया है। अजीज दोस्तों, इस हद तक सख्त बात करना ये स्वेला का ही काम है। स्वेला एक बहादुर औरत के तौर पे सामने आई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से एक और सामने आए हैं, ली एंडरसन। ली एंडरसन एमपी ने जब ये कहा कि सादिक खान ने हमारे कैपिटल लंदन को इस्लामिस्टों के हवाले कर दिया है, और अगर लेबर वापस आई तो आप ये समझिएगा कि हमारा शहर फिर हमारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उसके जवाब में सादिक खान ने वही इस्लामोफोबिया का ड्रामा शुरू किया कि दिस इज इस्लामोफोबिया। अबे साले, तेरे बारे में बात करने का मतलब इस्लामोफोबिया क्यों आ गया? तू कोई ठेकेदार हो गया है कि इस्लाम का? इस्लामोफोबिया को ये लोग यूज करते हैं अपने पर्पजेस के लिए, नथिंग मोर देन डेट। जबकि यही सादिक खान था जिसने, जब इसने पहली बार इस लेबर पार्टी की तरफ से लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था, तो उसने कहा था कि मॉडरेट मुसलमान है ना अंकल टॉम्स हैं। तो मॉडरेट मुस्लिम सादिक खान की नजर में अंकल टॉम है। इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेपिस्ट, कातिल, छुरियां लेके घूमने वाले इसके अपने लोग हैं, और उनके बारे में बात करो तो इस्लामोफोबिया है। ये इंग्लैंड है। ली एंडरसन एमपी ने जब सादिक खान के बारे में ये बात की थी तो ऋषि सुनक ने ली एंडरसन को सस्पेंड कर दिया। मतलब आप देखें इन लोगों का जोर के ये यहाँ के वैल्यूज के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। ये एक मौलवी है, इंग्लैंड में रहता है, ये कहता है कि हम इंग्लैंड के कानून को, इंग्लैंड की कल्चर को, इंग्लैंड के हेरिटेज को पसंद नहीं करते, इसलिए हम अपना हेरिटेज, अपना कानून, अपना कल्चर इनके ऊपर डालेंगे। ये लंदन में रह के ये बात कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ऐसा जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, जो आरी पजाकिया साहब हैं वो खुद भी पाकिस्तानी मूल के हैं, और वो कई सालों से लंदन के अंदर रहते हैं, और वो जब वहाँ पर रहते हैं और वहाँ के हालात वो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार के हालात वहाँ पर हो चुके हैं, और अब वहाँ पर जो ब्रिटेन के, जो यूके के जो लोग हैं और जो वहाँ के नेता हैं, अब उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है, और वो इसके खिलाफ़ जो है ना आवाज़ भी उठाना शुरू कर रहे हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।